हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बेड पर बिछाने के लिए ये पुराने चद्दर का ये कवर सा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए कैसे बनाते हैं, इसको मैंने दिखाया हुआ है। सबसे पहले मैंने ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने एक बेडशीट ली हुई है, इसको बिछाया हुआ है। फिर इसके अंदर मैंने और बेडशीट डाली हुई हैं। ये हमारा ऊपर रहेगा, ये वाली बेडशीट मैंने ऊपर लगाई हुई है और इसको ये नीचे लगाया हुआ है। इसके किनारे को बराबर कर लिया है मैंने, ये सारे। ये बराबर करने के बाद ये मैंने अच्छी तरह से इसे बिछा दिया है। ये बीच में एक भी सिलवट ना आए, इसलिए मैंने ये इसे सीधा कर दिया है ऐसे करके। चारों तरफ से कॉर्नर एक से कर दिए हैं। उसके बाद हम इसमें धागा लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको करके फिर इसको हम पलट लेंगे, देख लेंगे कि बैक साइड भी हमारा ये बेडशीट अच्छे से हुई है। उसके बाद हम इसमें धागा लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने स्टिचिंग शुरू की है इसके। इसके सबसे पहले किनारों को अच्छे से हम एक सा करेंगे और दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये सारी हमारी जो पुरानी बेडशीट हो जाती हैं, वेस्ट बेडशीट्स हैं, उनको मैंने लगाया हुआ है और किनारों को इस तरह से सिलेंगे कि ये सारी किनारे हमारे अच्छे से बन जाए। इस तरह से सिलते हुए हम पूरी बेडशीट में धागे डालेंगे। ये देखिए पूरी किनारे पे हमने सिलाई लगा दी है इसकी। अब इसके बीच में से हम सिलाई लगाएंगे, धागे डालेंगे। ये देखिए हम बीच में से इसमें धागे लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे ये जितने भी हमने चद्दर इसके अंदर डाले हुए हैं वो फिक्स हो जाएं और ये मूव ना करें। इसलिए हम इसमें बीच बीच में सिलाई लगा देंगे। एक हमने यहाँ लगाई हुई है, एक सेंटर में धागा डाला हुआ है, ये देखिए एक इधर डालेंगे। इसको मैंने अपने गेस्ट रूम में डाला हुआ है। ये मल्टीपर्पज यूज़ है, इस पर मैंने ग्लू लगा दिए हैं, यहाँ पर कुशन लगा दिया है। हम यहाँ पर आराम से गर्मियों में इस पर बैठ सकते हैं। इसका हम मल्टीपर्पज यूज़ भी कर सकते हैं, इसको छत पर चटाई की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बेड पे भी बिछा सकते हैं कि जिससे हमारे गद्दों से हीट निकलती है वो ऑब्जर्व हो जाए। इसको बनाने के लिए हमें सूती बेड शीट्स ही यूज़ करनी चाहिए। अगर सूती ना हो तो सबसे ऊपर हमें कॉटन की बेडशीट लगाएं, जिससे कंफर्टेबल हो। ये हमने बैक साइड ऐसी बेडशीट लगाई हुई है,